शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी WhatsApp पे पूरी की पूरी मूवी को कैसे सेंड कर सकते हैं, भले उस मूवी का साइज 1.5 GB है, 2 GB है या 2.5 GB है। मोस्टली क्या होता है कि जो WhatsApp हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है उसमें ये है कि अगर आपकी वीडियो का साइज 30 MB से कम है तो आप WhatsApp पे सेंड कर सकते हैं। अगर उसी वीडियो का साइज 30 MB से बढ़ गया है, और यहाँ पे तस्वीर के लिए बात करता चलूँ, यानी कि अगर आपकी तस्वीर और वीडियो का साइज 30 MB तक है तो वो आसानी WhatsApp पे सेंड हो सकती है। अगर उसका साइज 30 MB से बढ़ गया है तो वो WhatsApp पे सेंड नहीं होगी। और जो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे WhatsApp फीचर प्रोवाइड कर रही है वो ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज 100 MB तक है तो वो सेंड हो जाएगा, और उससे बढ़ गया तो सेंड नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो का साइज चाहे जितना भी हो, आप भले 2 GB तक चला जाए, आप उसको WhatsApp पे आसानी सेंड कर सकते हैं। और कैसे सेंड कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के लिए चलता हूँ, और बाकी सारा प्रोसीजर आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद हमने अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगी, ये बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जब तक यहाँ आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि हाँ ये वाकई वर्क करता है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं आपको प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये वाकई 100% वर्किंग में है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मैं यहाँ पे एक फ़ाइल सेंड करके दिखाता हूँ, जो वीडियो है एक पूरी मूवी है जिसका साइज़ तकरीबन 1.5 GB से ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैं आपको वो सेंड करने का तरीका बताता हूँ कि वो आप कैसे सेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चैट को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर क्लिक करके हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर से आपने वो अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, चाहे उसका साइज़ 2 GB भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी उस वीडियो को, अपनी उस कंप्लीट मूवी को एज अ डॉक्यूमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के हिसाब से ऑप्शन तलाश कर लेना है। मोस्टली ये सेम ही है जो मेरे मोबाइल फ़ोन में आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाले सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे, आप देख सकते हैं ऊपर इमेज, ऑडियो, वीडियोस, सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो वीडियो फॉर्म में है, यानी कि जो हमारी पूरी मूवी हमने वो सेंड करनी है, तो उसके लिए सिंपली वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, और वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही, तो यहाँ पे मुझे सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं उस मूवी का नाम लिख के सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूवी का नाम लिखा, और आप देख सकते हैं कि ये मूवी आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये मूवी का नाम है, और यहाँ पे साथ ही आपको इसका साइज़ भी दिखाई दे रहा है, 1.56 GB, जो यहाँ पे मैं आपको अभी सेंड करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे सिंपली मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोडिंग मीडिया हो रहा है, यानी कि जो मेरी फाइल है वो अभी यहाँ पे लोड हो रही है। यहाँ पे लोडिंग हो के ये प्रोसेसिंग में आ चुका है सेंड होने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ कि अगर इसने सेंड नहीं होना होता फाइल ने, तो WhatsApp मुझे पहले ही वार्न कर देता कि आपकी ये फाइल सेंड नहीं हो सकती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी फाइल है वो सेंड हो रही है, और जो अभी 2% सेंड हो भी चुकी है, 3% कर दो। आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कि आपको कैसी लगी, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा।